डाल्टनगंज में ओरिजिनल रत्न और उपरत्न खरीदना अब हुआ आसान। पुखराज, नीलम, मानिक मुंगा, गोमेद, हीरा, मोती, लसुनिया आदि की खरीदारी के लिए संपर्क करें। जयपुर जेम्स, मदन मोहन रोड नियर आजाद रोड, डाल्टनगंज। भाजपा कार्य समिति की बैठक गुरुवार को प्रदेश कार्यालय में हुई। इस बैठक में सरकार की मनमानी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन आंदोलन चलाने का संकल्प लिया गया। वहीं प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में कोरोना महामारी के दौरान चल रहे सेवा कार्य को जारी रखा जाएगा। पारित प्रस्ताव में कहा गया कि मुख्यमंत्री हेमंत सरकार द्वारा विद्वेष की राजनीति की जा रही है। गत दिनों किसानों के बकाया भुगतान की मांग को लेकर भाजपा द्वारा जन आंदोलन किए जाने पर सरकार ने प्रदेश अध्यक्ष सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज करने का काम किया है। युवाओं एवं राज्य की जनता के साथ धोखा व वादा खिलाफी किया जा रहा है। झामुमो द्वारा अपने घोषणा पत्र में प्रति वर्ष 5 लाख युवाओं को नौकरी दिए जाने का वादा किया गया था, पर सरकार इसमें विफल रही है। सरकार की लापरवाही और गलत नीति की वजह से संसाधनों की लूट हो रही है। कोयले का अवैध उत्खनन, चोरी, आयरन और बालू और पत्थर की चोरी सरकार के संरक्षण में हो रही है। इसके साथ ही राज्य की हेमंत सरकार संविधान एवं परंपराओं का उल्लंघन कर रही है। सर्वसम्मति से भाजपा विधायक दल के नेता चुने गए बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं दिया जाना इनकी संविधान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। यह लोकतांत्रिक मूल्यों व अधिकारों का उल्लंघन है। भाजपा ने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार की अदूरदर्शिता व दिशाहीनता के कारण राज्य बदहाली की स्थिति में पहुंच गया है। कानून व्यवस्था की दयनीय स्थिति से जनता बेहाल है।